हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टॉप मूवीज़ में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 3 लव स्टोरी बेस्ड मूवीज़ के बारे में, जिनमें आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इससे पहले जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 3 पर जो मूवी आती है उसका नाम है द नोटबुक। यह 2004 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो यह एक गरीब आदमी की कहानी है, जिसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है और जिससे उसे एक आज़ादी का एहसास होता है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो कौन से रीजन थे और वो अलग क्यों होते हैं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर जो मूवी आते हैं उसका नाम है अ वॉक टू रिमेंबर। यह 2002 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है और यह एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के बेस पर है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो इसमें दो छात्रों की प्रेम कहानी बताई गई है, जिसमें लंदन के मुसीबत पड़ने के बाद इन्हें एक साथ ज्वाइन किया जाता है और जिसके बाद वो अपनी नई लव स्टोरी शुरू करते हैं। अब वो अपनी स्टोरी कैसे शुरू करते हैं, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको देखनी चाहिए। लिस्ट में नंबर 1 मूवी की बात करने से पहले, जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, लिस्ट में नंबर 1 पर जो मूवी आती है उसका नाम है बिफोर सनराइज। यह 1995 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए, यूरोप में एक ट्रेन में यात्रा करते समय एक अमेरिकी पुरुष एक फ्रांसीसी महिला सेलिन से मिलते हैं। अमेरिका लौटने से पहले यूरोप में अपने आखिरी दिन वो अपने शेष घंटे उसके साथ बिताने का फैसला करता है। अब वो उसके साथ अपने बचे हुए कुछ घंटे बिताता है कि नहीं, वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड गुड बाय।